हैं? हाँ। कहाँ दरवाजे? तुम कब आए? बताओ, हवा तक ना लगे हमें। अरे हमने कही भैया नए साल की पार्टी को टाइम है, देर ना पहुंचाइए फटाफट। बढ़िया, नए साल की पार्टी की बेचनी इतनी अब ऐसे तो भाव चाहिए ना। हाँ। बेचैनी तो भाव चाहिए, देखो नए साल में अलग ही रोमांच भाव चाहिए, अलग रोमांच अलग अनुभव, समझ रही है रोमांच को मतलब। बीवी तो वही पुरानी है, कौन सा नया रोमांच जो बताओ। कौन से ग्रंथ में लिखो, कौन ने कह दी ऐसी कि अगर बीवी पुरानी हो जाए, बासी हो जाए, तेवासी हो जाए तो बाकी साथ में रोमांस नहीं करूं चाहिए। नए साल में ना हमारा तुम्हारा हिसाब बराबर हुई है, ठीक है? चलो अब हम भी तैयार हो जाते हैं। हाँ। हमें खूब जम के पार्टी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम जम के तैयार हो और जम के पार्टी करियो, तुम्हें टेंशन नहीं लेने, अच्छे से तैयार बनियो। नहीं एक मिनट, जम के पार्टी करने, जम के तैयार हो से का मतलब है? तुम भी तो होते ही रहोगे ना। हमने ऐसो कही का, हमने जो कही का, हम तो हैं ही तैयार, तो तुम्हें भी फुल फोकस में रहने, तुम समझना नहीं। एक सेकंड, जो बजरा उतना उठाइयो, हम कोट पहन लें। नौ साहब सुन नहीं भो कि बताइए कि स्पीकर पे करो, स्पीकर पे करो, को है कर जाते टाइम डिस्टर्ब कर रहा हूं। हैं कौन है? हेलो दरोगा आपको सिंह बोल रहे। दरोगा साहब, हमारे आपकी मदद की बहुत जरूरत है, एक तो इनकाउंटर कर दीजिए आगे। धीके लट, तू कौन बोल रहा हूँ? भुक्त गोभी है सर, हम भुक्त गोभी, हम जो है अभी रेलवे स्टेशन के बाजू वाले पीछे में खड़े हैं, जल्दी से आके इनकाउंटर कर दीजिए, वरना हमारे नाम के आगे स्वर्गवासी लगते हुए देर न लगेगी। तू हमें लग रहा माने को नहीं। अरे यार तूने होते ट्राई करो, थाने में फोन, तुम फालतू में, तुझे यही तो दिक्कत है, तुम आई थाने में को नहीं मिलते, तुम हमें घरे परेशान करते हुए पुलिस वाले को। दरोगा साहब, हमने पहले जो है फोन किया था, थाने में कोई उठाइए न किए, तो यही लिए मैं आपको डायरेक्ट फोन लगा दिया, जल्दी आ जाइए इनकाउंटर कर दीजिए। बेटा समझ गए, टेंशन न ले, कानपुर पुलिस तेरे साथ है, हम आएंगे आएंगे, हमें लग रहा हूँ तू बहुत जिद्दी है, माने को नहीं रज्जू जू, ठीक है आ रहे। हम चुप हैं, थैंक यू थैंक यू। कोई बात नहीं, हम यूं गए यूं आए, तुम टेंशन ना लो। हैं टेंशन नहीं लेना, हमारी बंदूक कहाँ है? सुनो हाँ बोलो, ध्यान रखने हाँ ध्यान रखने, और जल्दी से आ जाने 12 बजे के पहले, ना हमें सबसे पहले भी तुम्हें करनी है। तुम्हारा जो लाल प्यार देख के हमें आंसू आ जाते, लेकिन तुम सुनो एनकाउंटर है ना, पता नहीं कहो एक गोली मारी धाएं हम तुरंत आ गए, और कभी दो चार गोली ज्यादा भी मारने पड़ सकती। अरे दादा ध्यान से, क्या बात है बेनी, बड़ी जल्दी रेडी हो गए, सब समझती हूँ मैं। क्या समझती हो? समझती मतलब तुम्हारा प्लान और क्या? मेरा क्या प्लान है? ऐसा है बेनी, जब पति वकील हो ना तो उसकी बीवी का भी दिमाग कोई कम तेज नहीं चलता है। मुझे सब पता है, तुम जल्दी जल्दी रेडी इसलिए हो रहे हो ताकि 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 तुम्हें देखकर मैं भी जल्दी रेडी हो जाऊं, और तुम जल्दी से पार्टी में जाओ ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा टिकाने का मौका मिले, है ना? बग्गू बग्गू माय डार्लिंग बग्गू, तुम ना एकदम खट्ट से पकड़ लेती हो सब सारी, इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो तुम? ये किसका फोन आ रहा है? अरे पता नहीं किसका फोन आ रहा है, तुम एक काम करो ना, तुम खुद ही स्पीकर ऑन करके बात करो, मैं तब तक एक मिनट आया आया। हेलो काले कोट वाले वकील बेनी प्रसाद बोल रहे हैं? यस बेनी प्रसाद, बीएलएलबी फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्पीकिंग, आप कौन बताइए क्या? अरे बेनी वकील साहब, हम बहुत परेशान हैं, कैसे पूरी बात बताए, हमारे पिताजी की तबीयत। एक मिनट, क्या हुआ, कहाँ क्यों जल्दी आना है? आप एक सेकेंड आप बताइए क्यों और रो क्यों रहे हैं? अरे हमारे पिताजी के चेहरा शमशान घाट की तरफ ऐसे ताके हुए देख रहे हैं, और तुम जा रहे हो, हम रोए भी नहीं। अरे तो ठीक है, मतलब मैटर तो बताइए क्या हुआ, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आज थोड़ा सा पार्टी में, बताइए बताइए बताइए।
पिताजी हमारे चाह रहे हैं मरने से पहले अपनी बसियत बराबर बराबर भाइयों में बांट के चले जाए, वो राय देख रहे हैं, आप प्लीज जल्दी आ जाइए। ओहो, नहीं नहीं, वो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं, मैं आपका काम फटाफट कर दूंगा। कल सुबह आते ही सबसे पहला काम आपका करूंगा, ठीक है ना? कल नहीं, असल में पिताजी की कम बीपी बहुत लो हो रहे हैं, डाउन हो रही हैं, हाथ पांव जबरिंग कर रहे हैं, कप कपा रहे हैं, वो कभी भी जा सकते हैं ऊपर, अभी बीच में त्रिशंकों की तरह लटके, प्लीज भैया आप जल्दी आ जाओ ना। अरे सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप कल सुबह जल्दी आऊंगा, पूरा एकदम निपटा दूंगा, पिताजी को सारा काम कर दूंगा, आप हमारा फर्ज है, वकील है, हम कर देंगे काम, आप टेंशन मत लीजिए। कप कपा रहे हैं पिताजी, कभी भी टाइम बोल सकते हैं, प्लीज आ जाइए दीकिल, आ जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आया। थैंक यू काले कोट वाले वकील, थैंक यू। कितनी एक्टिंग करा रहो धी को, लट लोग आई से डर रहो। मैं कहीं नहीं जाने वाला, देखो मैंने ऐसे क्रॉस किया हुआ था, फालतू पागल हो गया यार, कल सुबह हो जाएगा, और कुछ नहीं है सर। नहीं बेनी, उनका बेटा कैसे रो रहा था, नहीं तुम जाओ। ठीक है, तुम इतना जोर दे रही हो, इतना पुश कर रही हो मुझे, तो मैं जाता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी कसम, तुम एकदम तैयार, एकदम मेरा इंतजार करना, ठीक है ना? मैं यूं फटाक से गया और यूं फटाक से वापस आया, तुम्हारे सर की कसम, चलो ओके बाबा बाय। अरे मैं क्या बोल रही हूँ, जा कहाँ रहे हो, जगह तो बताओ। अरे धी के लट सुन, ऐसो लग रहो बहनी, कसम से काऊ ने बुलडोजर चला दो। अरे चुमलाल बुलडोजर नहीं, क्या कहते हैं, सीधे मिसाइल गिरी है ऊपर से, वो भी रशियन। चुप, ऐसी बात है ना बोलते, इतने सारे अभी राय तो फैल जाएगी, चिरान फैल जाएगी, आराम से बोलो, करे ऐसी बात है। सुनो, तुम्हारी ना एकदम हमेशा एकदम फट्टू टाइप की बातें करते हो तुम, अरे खुल के जियो, ऐसा क्या जो मस्ती की मजा आया। ओहो, तू भूल रहे हो कि हम दो मन की बीवियां कैसी, बेटा शक्ल देख के बता देती हैं कि आदमी कहाँ गुल खिला के आ रहो। लेकिन एक बात है, मजा बहुत आओ। अरे मजा है, मजा आ गया चुमलाल सुन, हाँ। एक काम करो, अभी जो है तो अपनो पल हमने जी लो, अब बाकियन को जो भी टाइम है हम आओ सब अपने परिवार को समर्पित। कैसी गई? अरे बहुत बढ़िया की यार, हाँ। बहुत मजेदार दिन गए। लेकिन सुनो, इधर बत्ती गुल, हमारी अपनी भी बत्ती गुल इतना ज्यादा हो चुका है, कैसे कैसे मैनेज कैसे करेंगे, क्या समझाएंगे, क्या पढ़ाएंगे इनको, क्या बोलेंगे। सुनो, इतने बजे आए हम लोग, जैसो हर बार हो जाते हुए ना, कभू कभू तो थोड़ी सी कहानी में तड़का मार देगी, बाकी लीपा पोती कर देंगे। लेकिन एक काम करो, पहले तो ढंग की लीपा पोती अपने में कर लो, ऐसे लो नाली से निकले कुत्ता है ससुर, आ जा मुँह हाथ धो ली तनक, चल जो सीधो का ही नहीं हो रहा। कौन है? दूर हटो। अरे दादा हटो, कहो को अचानक, अब इतनो बढ़िया लाड़ सू टपका रही थी, फिर से तुम दूर हटो, मतलब नई साल में दूर हटो। पहले कहा नहीं बताओ तुमने, कहा जाएगी तुम, न्यू ईयर विश जो है मैं दूसरे दिन सुबह गुड मॉर्निंग में कर रही हो। अरे अब आसन, करेक्ट करेक्ट, जा मैं बनते हुए दूर हटो।
तुम्हें पता हमाऊ अगर उते पे बस चलतू ना तो सीधो सारू आधु काम छोड़ के उड़ के सीधे तुम्हारी बाहों में आ जाते। कैसी करी? तो कौन ने तुम्हारे पंख काटे थे? नहीं नहीं, पंख काय को काटी थी, तुम्हें बता के तो गई थी। अचानक सारू फोन आऊ ना ऐसे एनकाउंटर में ऐसे बिजी हो गई, और तुम्हें पता है एनकाउंटर कितनू धांकड़ चल रहा हो, तो एक गोली गाल से टच करके यहाँ निकल गई, दूसरी गोली बाल से टच करके यहाँ निकल गई। तुमने तो टोपा पहना जो अच्छा अच्छा नहीं नहीं तो वही तो फील तो हमें भवना के बालन से टच कर, अगर ये सारू टूफा ना हो तो हमें लग रहा कोपड़िए में घुस जाती। देखो लेकिन सुनो, हमने भी हिम्मत न हारी, हमने सब खत्म करो, 19 साल में अपनी रज्जू के पास आ गए। कैसी गई? ठीक है चलो, हमने तुम्हें माफ कर माफ कर दो। तो फिर आ जाओ। भपका? अरे तुम्हारे पति को भपका बहुत है, थाने में जाकर पता करो, सारे थर थर कांपते हैं तुम्हारे पति से, बहुत भपका है। जो भपका नहीं होता है, जो भपका जो भपका जो तुम्हारे मुंह से आ रहा है। शराब पिया तुमने? हमारे मुंह से भपका रहो? हाँ। शराब को? हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब है का? आदमी एनकाउंटर पे जाएगा गोली चलाने, वो तो पी के जाएगा का? अगर हम ऐसे पी के जाए ना रज्जू, कसम से कह रहे तो जॉन को हमने लुड़का हो ना एनकाउंटर में, बाकी एक गोली से तुम्हारा पति हमारे लुढ़क जाए तो। लुड़के ही हो तुम? नहीं, हम तो तुम्हें करके बता रहे थे कि हम लुढ़क जाते, लेकिन हम लुढ़के नहीं है, कैसे हमने पी आ रही अब समझ गए तुम्हें, तुम्हें महकाई ना शराब की महकाई? आई नहीं, आ रही है। अभी आ रही ना। हाँ। अभी ताजू एनकाउंटर भवन, हमने तुम्हें लोकेशन नहीं बताई, दारू की भट्टी में एनकाउंटर चल रहा हो तो हमने तैसे गोली मारी, बाने सारी शराब की बोतलें फेंक के मारी, कैसे बाकी गोली खत्म हो गई, इतनी लुढ़क गई हमारे ऊपर। तुम्हें क्या बताएं, कपड़न से भी आ रही होगी, देखो इतने से भी आ रही होगी, यही को भपका आए, वरना तुम्हें लगते हुए हम ऐसे पी पा के आएंगे ना? गलत बात। वैसे एक जगह तुम ठीक हो, जब आदमी दारू की भट्टी में एनकाउंटर करेगो तो पति जब लौट के आएगो तो बीबी को बेउड़ा लगेगू ना, केवड़ा तो लगेगू ना। बातें करवा ले केवड़ा बेउड़ा अच्छो है, लेकिन हमें बुरू लगू तुमने हमसे ऐसे बर्ताव करो, हमारी मेहनत पे तुमने नजर ही ना डाली, हमने तुम्हें बाहों में भरू बापे ध्यान ही ना गाओ, और तुम सीधो आके दूर हटो दूर हटो, जान पे अकेले गए होते हम। बुरू बहुत लगते हो तुम्हें। तो लगेगू ना, तो पूछ ही तो रहे, नाराज क्या हो रहे हो तुम? नाराज नहीं हूँ, पति नए साल में शुरुआत ही मतलब दिन की शुरुआत ही नए साल को मतलब ऐसे करेगी शक करके तो पति को बुरू लगेगो, फिर क्या साल भर यही चलेगो ना शक, हम थाने से आएंगे तो मैं लगेगो जाने कहा नाच गा के आ रहा हूँ आदमी। शक करने ना पत्नी को धर्म होता, धर्म निभा रहे अपनो, धर्म निभाओ, लेकिन तुम एक ठगिया धर्म भूल गई। कैसे कौन सा धर्म है जो हम भूल रहे हैं? 9 साल हम तुम्हारे पास आए, तुमने हमें पुच्ची तक ना दी, हमें बुरू लग गो, देखो सूख गई सर्दी में गाल हमारे। रात भर जीते तुम एनकाउंटर कर रहे थे ना, उधर जाके ऊंची पुच्ची जो कुछ लेने ले। ये तो यार बहुत गलत बात है, हमें तो जो लग रहा हो तो कि हम सारू सवेरे सवेरे बीबी के पास जब पहुंचेंगे इतना बड़ो कांड करके इतना बड़ो काम करके थाने को एनकाउंटर वालों, तो बीबी खुशी से गले लगा लेगी, हमारा मुंह मीठो कर देगी, तुमने तो नमकीन नमकीन खट्टो खट्टो ऐसो कर दो। ठीक है है मैं ना दरोगा जी से, मां मन बहुत बड़ो है, हम किसी का हक नहीं मारते, कर ले जो कुछ कर ले हैं पक्को। तो फिर आओ कंबल में दंगल हो जाए। एक मिनट अब कहोगे जो का जो का है बिलैया को बाल है का? जो स्पेशल बिलैया तुम्हारी नानी बुलाई है भगवान ने, नानी नारंगी कलर की बिलैया कानपुर में आ गई। खैर छोड़ो बिलैया से बाद में निपटेंगे, जो लड़ाइयों को बाल है तुम अंदर तो आओ आओ आओ, माहौल बन जाएगा, चलो अंदर। फादर कमिंग कमिंग फादर हैप्पी न्यू ईयर। बहुत बढ़िया हैप्पी न्यू ईयर सोचो। अब जो बता ब्रेक काई लगा दो ऐसो। फादर एक्चुअली वन अर्जेंट टॉक। फादर यू नोइंग माय फ्रेंड कमलेश? हां कमलेश वेरी सैड एक्चुअली ही रनिंग हियर देयर फॉर जॉब एंड जॉब रनिंग हियर देयर फ्रॉम हिम। बहुत बढ़िया अब हिंदी में बोल। फादर ही नीडिंग जॉब इन पुलिस, मेरे मतलब पापा कमलेश ना बहुत सैड है, उसकी प्लीज पुलिस में जॉब लगवा दो। अरे सवेरे सवेरे तो ऐसे भद्दो मजाक कर रही, कहाँ कौआ और पुलिस की नौकरी, कैसी बात कर रही बेफालतू की। फादर मी सीरियस, कमलेश डूइंग स्काई एंड फ्लोर टुगेदर। सुन
हमारी पुलिस महकमे के इतने बुरे दिन नहीं आए कि जो कौआ सारो पुलिस की नौकरी करे को। पापा कमलेश वेरी हार्डली वर्किंग भैया, ही डूइंग लाइटनिंग ऑफ पुलिस फोर्स नेम, नाम रोशन करते का वो पुलिस फोर्स का। बिल्कुल करे को, हम बता रहे कौन सी जगह होगी वो। कौन सी? वो है लॉकअप। लॉकअप के पीछे पेल देंगे सारे को, उतनी सड़े को, यही जगह है बाकी, और कौन नाम रोशन नहीं कर सकते जो। फादर प्लीज वन चांस गिविंग टू कमलेश, ही डूइंग एवरीथिंग। अरे तू जा, अब हमें देर हो रही, खोपड़ी ना खा। ए काय, वो नहीं खुलेगा, वो नहीं खुलेगा। काय काय नहीं खुलेगा, झुको कुछ कहो। एक्चुअली वेरी कोल्ड आउटसाइड ना, ठंड है बाहर, तो कमलेश अंदर। कमलेश लोंडा, हमें सरू से पसंद नहीं है ऐसी टाइम, जो काय कुछ कहो। बहुत ठंड है बेचारा, कौन आता। चुबलन, ए चुबलन इधर आ। यार ते जाए के होते जाए, इधर आ मारे फादर जो। ठीक है लटने कर जल्दी। अरे आओ यार कमलेश जो, जल्दी आओ यार। तो धर्मशाला खुल गई हमारे घर में। ये हो सुन सुन सुन, का है खोल के पढ़ो अंदर, पढ़ 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 देखो। बेनी हाँ, ये अगल बगल हम और तुम हैं। अरे बीच में देखो किसके साथ हैं। किसके साथ है? जुका छप गो, छप गो कल। कैसे छप गो? अरे कच्चा चिट्ठा सब जो है छप गया। अब सुनो, अपना घर का जो अखबार है ना उसको छुपा दो, मैं तो उसको फाड़ के जला दूंगा। तुम उसको कमोड में बहा दो, कुछ भी कर दो, कहे कि अगर वो किसी ने देख लिया ना, अखबार पढ़ लिया, तो समझ लो हम लोग की आखिरी यात्रा की, अंतिम यात्रा की फोटो इसमें चपेगी। जल्दी करो। एक सेकंड, एक सेकंड। इतनी ज्यादा टाइट चिपकी थी। अरे यार तुम कौवा। हैप्पी न्यू ईयर पंकज। हैप्पी न्यू, थैंक यू सर एडवांस में। भगत से देख जा यार। ओह माय मम्मी, कैट कैट कैट। राधे राधे। झाकी कोनो जरूरत ना थी। विदेशी क्या बात है आपका, शमशान का बिन्नोस तेजी पकड़ रहा हूँ। अरे ऐसी बात नहीं है समदन जी, लेकिन हाँ ये बॉटल को देख के आपके चेहरे पे जो चमक आती ना, वही देखने आया हूँ। हमारे चेहरे पर तो चमक रहती रहती है, आती रहती है। जैसे आप आते हैं जाती नहीं है। पापा पापा, राधे राधे बोले पापा। लल्ला राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर बच्ची, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। तुमने फोन नहीं करो पापा, ऐसे आ गए। अरे कोई नहीं बेटा, मैं तो चाहता हूँ भगवान करे नए साल में हमेशा तुम ऐसे खुश रहो। जैसा ही कहा, बहू खुश रहेगी तो पूरे घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। जो नाराज है ना, तो सबको बड़ो भारी पड़ेगा। अम्मा साल के पहले दिन तुम शिकायत कर रही हो माई, पूरे साल नाराजी रहोगे फिर तुम। अरे बहू, गिले सिखवे तो अपनों के साथ होते हैं ना। और फिर तो को तो पता है कि भाई हम माओ खाना ना हजम ना होता है जब तक हम तो को कछु सुनाते ना है। हाजमे के लाने ना सुनानो पड़ता। आप दोनों को ऐसे लड़ते झगड़ते रहते हुए देखता हूँ ना, तो मेरा मन जो एकदम खुश हो जाता है समन जी। भगवान करे सारी जिंदगी आप दोनों जो है ऐसी लड़ते झगड़ते हंसते खेलते प्यार से रहिए। यहाँ का खित-खित कर रही है, जा समदी जी के लाने बढ़िया सा फर्स्ट क्लास चाय और नाश्ता लेके आ। देख फटाफट लाइयो, हमारे लिए तो देर सवेर चलतो है। समदी जी के ना हैप्पी न्यू ईयर है ना। अरे लल्ला बैठो बेटा बैठो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है लल्ला। क्या बात है पापा, कछु ज्यादा ही खुशखबरी दे रहे, लॉटरी लगी तुम्हारी। अरे ऐसी बात नहीं है बेटा, अरे दामाद जी की तस्वीर छपी अखबार में, तुम लोगों ने देखा नहीं, बताओ। सच? हमारे लाल की फोटो छपी। अरे कितने होनहार। सच्ची पापा? बताओ अम्मा, हमने आज सवेरे से अखबार ही नहीं देखो। आओ हमने दरबार जी, अम्मा अच्छे अच्छे काम करते। पर पापा दरबार नहीं पड़ी है,
दरोगा जी अपने मुंह से बखान नहीं करते, खुद की आदत नहीं है इनकी। अरे बेटा क्या बखान क्या कांड क्या है वो सब अभी पता चल जाएगा। लाओ जल्दी दो। रीड अ फ्रंट पेज। फोटो हैगी? रात की फोटो है अम्मा जी। अरे लल्ला दमान जो है ना नए साल की धमाकेदार शुरुआत की है, देखो। सही कह रहे हैं तुम पापा, कुछ ज्यादा ही धमाकेदार करी है।